हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावत रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट की रेसिपी, जो है फ्रूट कस्टर्ड और चाइना ग्रास की रेसिपी। ये डेजर्ट बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। बड़े और बच्चों को पसंद आने वाली ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर। 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है मैंने और वेनिला का कस्टर्ड पाउडर लिया है 5 टेबलस्पून भर के। ये देखिए मैंने गैस ऑन किया है, गैस को हमें लो फ्लेम पे रखना है। मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें इसके लम्ब्स निकालने हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका हम ऐसा एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। हमें दूध में डायरेक्ट पाउडर नहीं डालना है क्योंकि दूध में हमारे लम्ब्स पड़ जाएंगे पाउडर के। इसके लिए हमें ऐसे इस तरह से पाउडर को मेल्ट करना है। मैंने वेनिला फ्लेवर का पाउडर लिया है। आपको अगर दूसरा कोई पाउडर पसंद है या फिर दूसरा फ्लेवर पसंद है तो आप ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, जो भी पसंद है आप लेना। बहुत सारे फ्लेवर मार्केट में ईजी अवेलेबल होते हैं। ये देखिए मैंने अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बनाया है, देखिए इस तरह से। अब मैं दूध में इसे ऐड करूंगी। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता इसे हमें चलाना है ताकि हमारी दूध में लम्ब्स ना पड़े। ये देखिए बचा हुआ है, वो भी मैं इसमें से ले लेती हूँ बाउल में। और हमें इसमें शक्कर ऐड करनी है, लेकिन मैं इसमें मिल्कमेड ऐड करूंगी। मैंने 1 कप भर के मिल्कमेड लिया है। अगर आप मिल्कमेड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम शक्कर आप इसमें ऐड करना, लेकिन मिल्कमेड अगर यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए मैंने मिल्कमेड यूज़ किया है, मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्कमेड। अगर आप मिल्कमेड यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा और बहुत ही रिच लगेगा टेस्ट में। आप ज़रूर ट्राई करना मिल्कमेड वाला कस्टर्ड, आप बनाकर ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा। ये देखिए मैंने सारा मिल्कमेड इसमें डाल दिया है। मैं इसमें शक्कर नहीं डालूंगी। ऐसे ही हमें आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है वरना लम्स आ जाएंगे हमारे कस्टर्ड में। ये देखिए एक भी लम्स नहीं है। मैंने अच्छा सा बैटर करके इसमें ऐड किया था कस्टर्ड पाउडर को। ये देखिए कैसे गाढ़ा हो रहा है, देखिए कोई लम्स भी नहीं है। अच्छे से हमें इसे ही थोड़ा चलाना है और 5 मिनट हम चलाएंगे इसे। लेकिन आप अगर शक्कर डालेंगे तो थोड़ी थोड़ी करके डालना, एक साथ नहीं डालना। मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है, मिठास किसी को ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, इसलिए आप शक्कर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना। मैंने 1 कप भर के मिल्कमेड लिया। अगर आप मिल्कमेड यूज़ करेंगे तो आप भर के लेना मेजरमेंट वाले कप से। और इसकी घटाई भी, अगर आपको इसका थिकनेस ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप इसमें पाउडर बढ़ा सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़्यादा लेना चाहिए आपको अगर तुम्हें अगर ये लग। देखिए कैसे अच्छा सा पक गया है हमारा कस्टर्ड। ये देखिए कैसा अच्छे से थिकनेस आया है। अगर आपको इसे ज़्यादा थिक चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप इसमें पाउडर ऐड कर सकते हैं। दूध में घोल करके या फिर पानी में मिलाकर इसका मेल्ट करके आप उसमें डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा गाढ़ा तो। इस तरह हमें हिलाना है और अब हम बंद करेंगे इसको, फ्लेम को बंद करना है, लेकिन हिलाते चलाते रहना है, ठंडा करना है हमें इसे। फ्लेम बंद करने के बाद भी हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब हम इसे 15-20 मिनट के बाद, ठंडा होने के बाद, हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ आगे का प्रोसीजर क्या है। देखिए हमारा कस्टर्ड अब ठंडा हो चुका है, मैं अब इसमें फ्रूट ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने जो फ्रूट्स लिए हैं मैं आपको बता रही हूँ।
अनार लिया है मैंने, बनाना लिया है 1 कप, और ये एप्पल लिया है मैंने, और चीकू लिया है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए है। ड्राई फ्रूट्स हम बाद में ऐड करेंगे उसमें, जब हम सर्व करेंगे तब हम ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे उस पर। आप अपने हिसाब से फ्रूट्स लेना, मैंने अपने हिसाब से लिया है। आप जो चाहे, मार्केट में सारे कुछ अवेलेबल रहते हैं, कभी कुछ नहीं रहते, तो आप अपने हिसाब से डाल देना। और जो मैंने ये काटा है, मैंने आपको पहले बता रही हूँ, आप अगर कस्टर्ड जब ठंडा होने लगे तभी आप यहीं से लेना, पहले से काट के ना रखें, क्योंकि काला पड़ जाता है। और दूसरी टिप्स ये है कि अगर कस्टर्ड गर्म है और सुमसुमा भी है, ऐसा गुनगुना भी है, और हम इसको अगर डालते हैं एप्पल को और बनाने को, तो वो काला पड़ जाएगा। इसलिए हमें जब भी कस्टर्ड हम बनाएंगे कभी भी, तो और ठंडा होने के बाद ही हम इस फ्रूट्स को, सारे फल को ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए सारे फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे एक आधा घंटा रख देंगे, क्योंकि जो हम फ्रूट्स फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि हम जो फ्रूट्स ऐड करेंगे उसका सारा फ्लेवर उसमें मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद ही उसका टेस्ट और उसका जो मज़ा है वो ठंडा होने के बाद ही आ जाएगा, और अच्छे से सारे फ्रूट्स मिक्स होने के बाद ही हमें वो मज़ा आएगा खाने के लिए। इसलिए मैं अभी ये सर्व नहीं करूँगी, आधा घंटा ठंडा करूँगी, उसके बाद में ये सर्व करके आपको बता दूँगी। और हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से और ये अनार के दाने से। ये देखिए मैं अभी इन्हें मिक्स करके फ्रिज में रखती हूँ। हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो गया है। मैंने अनार और ग्रीन वाले अंगूर से उसे ऊपर से गार्निश किया है। पिस्ता आलमंड भी ऊपर से मैंने डाला है क्रश किया हुआ। आप भी डाल दो, आप भी इसका मजा लो, बहुत ही बेहतरीन बना है, आपको पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी बना है। जरूरत बनने वाला डेजर्ट जो है अगर अगर चाइना ग्रास। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। चाइना ग्रास बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने। दूध लिया है मैंने यहाँ पर 1 लीटर, फुल फैट वाला मिल्क लिया है मैंने 1 लीटर यहाँ पे, और मैंने शक्कर लिया है 3 टेबलस्पून भर के लिए है, और आलमंड और पिस्ता मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है, और 5 स्टार वाला अगर अगर चाइना ग्रास वाला पैकेट लिया है मैंने चाइना ग्रास का। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट लगाया है, और ये चाइना ग्रास हम दूध में भिगो देंगे। ये देखिए मैं इसे पूरा पैकेट इसमें जाएगा दूध में, हम इसे इस तरह खुला खुला करके दूध में डाल देंगे। इस तरह से हमें सारा ये पैकेट दूध में भिगोना है, और भिगोने के बाद हम ये दूध को आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही साइड में रखेंगे। आधे घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ हमें क्या प्रोसेस करना है आगे। देखिए मैंने जो चाइना ग्रास को भिगो दिया था दूध में, आधा घंटा हो चुका है। मैंने बर्तन को गैस पे रख दिया है और गैस ऑन किया है, और फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है, मीडियम लो हम फ्लेम रखेंगे, और हम चाइना ग्रास को अच्छे से मेल्ट करेंगे जो पानी में हमने दूध में हमने भिगोया था। ये देखिए कैसे भीग कर कैसे सॉफ्ट हो गया है। जो हमने पहली मरतबा आपको पैकेट से निकालते वक्त दिखाया था तो कैसे सख्त था और कड़क था, आप देखिए कैसे सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसे अच्छे से दूध में हिलाना है, पकाना है, और हमें इसे अच्छे से मेल्ट करना है। मेल्ट होने तक हम इसे लो फ्लेम पे हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और अच्छे से पिघलाएंगे इसको। ये देखिए ऐसे ही चलाना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है चाइना ग्रास, इम्पोर्टेंट है इसे ही, हमें इसी से टेक्सचर आने वाला है हमारी चाइना ग्रास को, हमारी जो घास हलवा जो हम बनाएंगे इसी से टेक्सचर आने वाला है, तो इसे ही हमें अच्छे से मेल्ट करना है। देखिए कैसे अच्छे से मेल्ट हो रहा है, बस हम चलाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाता है। और अगर हमें कभी जल्दी में भी बनाना है तो हम 15-20 मिनट भी इसे भिगो देंगे, फिर भी चलता है, लेकिन आसानी से ये पक नहीं जाता, थोड़ी देर लगती है पकाने में। इसके लिए अगर हम आधा घंटा भिगोते हैं तो ये झट से मेल्ट हो जाता है। देखिए कैसे मेल्ट हो रहा है,
अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं या फिर कोई घर पे अचानक से आ रहा है, तो आप अगर घर में दूध है अगर अगर है तो आप जल्द से जल्द बना सकते हैं। आसान तरीके की रेसिपी है, देखिए कैसे अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ज़रा भी एक भी तार नहीं बची है चाइना ग्रास की, जो हमने अगर अगर का चाइना ग्रास इसमें ऐड किया था। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मेल्ट होने के बाद मैं इसमें शक्कर ऐड करूंगी। मैंने शक्कर इसमें शुरू में ऐड नहीं की, इसकी वजह यह है कि अगर हम चाइना ग्रास के साथ शक्कर ऐड करते तो वो पकता नहीं, पकने में दिक्कत हो जाती, मेल्ट नहीं होता जल्दी से, इसलिए मैंने इसे अच्छे से पहले मेल्ट किया, अच्छे से पका लिया है मैंने, और उसके बाद मैं अब शक्कर ऐड करूँगी। अब शक्कर ऐड करने के बाद हम इसे और 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और मैं अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करूंगी, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। देखिए अच्छे से 5 मिनट हो चुके हैं, शक्कर भी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, जो मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। 10 मिनट हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे, इसके बाद हम इसे अच्छे एक बर्तन में इसको सेट करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी देखिए किसी थोड़ी थिक हो गई है, क्योंकि ये अभी हमारा थोड़ा सा गुनगुना हो गया है, एकदम भी हमें इसे ठंडा नहीं करना है, ऐसा गुनगुना रखना है। 10 मिनट पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसी में हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए एक बर्तन मैंने लिया है इस तरह से और इसी में मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी। अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए अब हम इसे 5 मिनट और रखते हैं थोड़ा सा एक ऐसा ठीक होने के लिए, क्योंकि इस पर हम अगर ड्राई फ्रूट्स और ये सारा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, इसलिए मैं इसमें अभी आलमंड पिस्ता इस पर अभी गार्निश नहीं करूँगी। एक 5 मिनट के बाद थोड़ा ठंडा करेंगे, ऐसे ही मैं पंखे पे ठंडा करूंगी, उसके बाद मैं इस पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी और इसे गार्निश करूंगी। मैं आपको बताती हूँ हमें आगे क्या करना है। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा सेट हो गया है, हल्का थिक हो गया है। अब हम इस पे पिस्ता और आलमंड से इसे अच्छे से गार्निश करेंगे और उसके बाद 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। मैं आपको बताती हूँ सर्व करने के बाद। देखिए कैसे बेहतरीन लग रहा है, अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जैसे ही ठंडा हो जाएगा मैं इसे सर्व करूँगी। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और कितना अच्छा और कितना बढ़िया हमारा चाइना ग्रास रेडी हो गया है, और मैंने इसे पीसेस में काट लिया। इस तरह पीसेस में काट के हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन बना है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कैसी बनी है, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।